आलापल्ली के बाजार में बिक्री के लिए ले जाए जाने वाले सामान के गोदाम में सुबह के समय अचानक से आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना में गोदाम में रखा तकरीबन 15 लाख का माल जलकर खाक हो गया। आलापल्ली के बाजार में बिक्री के लिए ले जाए जाने वाले सामान के गोदाम में सुबह के समय अचानक से आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना में मिली जानकारी के अनुसार आलापल्ली ग्राम पंचायत के अंतर्गत साफ सफाई का काम सफाई कामगारों को दिया गया था। बाजार के अंदर साफ सफाई कर कूड़ा कचरा के आग लगाने का काम गोदाम के पीछे वाली गली में चल रहा था। इसी आग से निकली चिंगारी से गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते कचरे के आग ने उग्र रूप धारण कर गोदाम को अपने चपेट में ले लिया। गोदाम में कपड़ों का सामान रखा हुआ था और गोदाम के पास ज्यादा कचरा रहने की वजह से गोदाम पूरी तरह झुलस गया। इस आगजनी में गोदाम में रखा 15 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। बाजार के कुछ नागरिकों ने आग बुझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आग की विशाल लपटों में कुछ भी टिक नहीं पाया। इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है। गढ़चिरौली से मिलिंद खोंड की रिपोर्ट, चितवन न्यूज 24 के लिए। आम्हाला काय नाही, थोडं तरी पण काहीतरी आम्हाला समाधानासाठी भरपाई पाहिजे। आता आम्ही लोक का करू जगू सांगा। आमचं पूर्ण तीन दुकान, एक नाही भांडे मनेरी जनरल कपडा, तीन एकाच गावचे तीन दुकान, काय नाही उरलं तीन दुकानामध्ये। आमचे लोक सर्व पाहिलंय केवढा केवढा दुकान मोठा आहे मार्केट मध्ये, त्यांना बी माहित आहे किती मोठं दुकान आहे, त्यांनाही विचारून बघू। पाच गट्टे होते, पाच गट्टे झडले, आम्ही उद्या का करायचं का नाही सांगा। वीस हजार रुपये बॅग मध्ये होते, मला नाही घेऊन नेलो नाही। क्षेत्र का जिल्हा परिषद सदस्य नाते मैं बताना चाहता हूँ की व्यापार वर्ग है और इन्होंने हर बाजार को जाके एक जगह माल रखती है, इनका कम से कम 15 से 20 लाख रुपए नुकसान है। इसमें क्या है, कोई बिल्कुल शॉर्ट सर्किट इसके नहीं हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं। ग्राम पंचायत ने जो कचरा जमा करके एक जगह डीक करके उसको अंगार लगने की वजह से वो गोदाम को नहीं कि अंगार लगा, उसके वजह से हमने तहसीलदार साहब से बात की कि ऐसा कोई प्रावधान गवर्नमेंट की तरफ से ही, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से अपने को मिला नहीं है। तो मैंने सचिव और उसके बाद हमारे जो वीडियो लेवल से हम बात किए कि ये जो ग्राम पंचायत की वजह से जो नुकसान हुआ है, इनके तरफ से ग्राम पंचायत के एक तत्काल बैठक लगा के ग्राम पंचायत से उनको क्या मदद देना चाहिए। जो अभी 15 से 20 लाख का जो नुकसान हुआ है उसमें से जो कुछ थोड़ा बहुत तो भी ग्राम पंचायत ने मदद देना चाहिए, यही मेरा बोलना।